साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी साथियों के पास भाई इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि आपने गलत तरीके से मोहर व साइन लगवाए हैं तो आपको रोजगार कार्यालय उपस्थित होना पड़ेगा, नहीं तो आप पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद साथियों कुछ यूट्यूब चैनल वाले इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं कि आपको बेरोजगारी भत्ते के साथ 20% और आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसकी मैं आपको यहाँ सच्चाई बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये मैसेज उन साथियों के पास आ रहे हैं जिन्होंने या तो गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनाया हो, या फिर गलत तरीके से ज्वाइनिंग लेटर बनाया हो, या फिर गलत तरीके से इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र बनाया हो। यानी आपने जो फर्जी मोहर लगाई है जिसका किसी भी सरकारी अधिकारी से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके जिला रोजगार कार्यालय के पास आपका डिटेल पहुंचती है तो वही क्या है, वो चेक कर लेते हैं कई बार, ठीक है ना। उनको लगता है कि ये गलत तरीके से मोहर लगाई गई है तो आपके पास इस प्रकार का मैसेज भेजा जाता है। यदि आपके पास आ रहा है तो आप जिला रोजगार कार्यालय ज़रूर जाएँ और संपर्क करें, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं हरदम कहता हूँ गलत काम करोगे तो इसका खामियाजा आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। और देखो भाई, एक बात और सुन लेना, यदि आपने जिसकी भी मोहर लगाई है, जिसका भी आपने नाम का यूज किया है, तो उस कैंडिडेट के पास पूरा अधिकार होता है कि आप पर मानहानि का केस वो ठोक सकता है, ठीक है ना। तो आप इसकी टेंशन ना लें, अपने जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क करें। इस देखो साथियों, सबसे बड़ा बिंदु ये है, काफ़ी साथी कह रहे हैं कि सर क्या 20% हमें और पैसे देने पड़ेंगे। देखो साथियों, ऐसी न्यूज़ कहीं पर नहीं है। देखो ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, यूट्यूब पर अच्छे लोग भी हैं और टपोरी लोग भी बैठे हुए हैं जो हो सकता है इस प्रकार की आपको मिस गाइड कर दे कि भाई आपको 20% पैसा और देना पड़ेगा बेरोजगारी भत्ते के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। आप उस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं जिसका एक ही उद्देश्य है 2 या 3 मिनट में आपको जानकारी देना। ये नहीं मैं भाई 6-7 मिनट का वीडियो बना दूँ और उसमें महाभारत उसमें लिख दी जाए पूरी, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लें, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आप अपनी स्थिति यानी आप अपनी जगह पर ठीक हैं तो, ठीक है।